हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारे स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, ओपन पोर्स हो, इन सभी का सॉल्यूशन है विटामिन सी। विटामिन सी के सीरम मार्केट में बहुत से अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं, बट वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। विटामिन सी ऑरेंज में बहुत होता है। ऑरेंज का जो पील होता है ना, छिलका, आप उसे धूप में अच्छे से सुखा लें, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लें और उससे भी आपको काफी सारे बेनिफिट इसके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़े, आपको बजट फ्रेंडली विटामिन सी के फायदे मिल जाए, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आई हूँ जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो विटामिन सी का पाउडर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है और सबसे इम्पोर्टेंट बजट फ्रेंडली है। तो ये है एल्फ्स गुडनेस का ऑरेंज पील पाउडर। ये आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, बजट फ्रेंडली है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप बहुत अच्छे से काफी हद तक विटामिन सी के बेनिफिट ले सकते हैं। इस पैक को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे मिल्क, कर्ड, हनी, रोज वाटर किसी में भी मिक्स करके लगा सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग। मैं किस तरह से यूज करती हूँ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बॉल। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। इस पाउडर को ना आप हेयर मास्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये 100% प्योर और नेचुरल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल फ्री है और ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच मैदा। आप मैदे की बजाय बेसन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी दही। इसका पेस्ट मैं दही से बनाऊंगी। अगर आपको दही सूट नहीं करती है तो आप इसकी बजाय कच्चा दूध यूज कर सकते हैं, रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच के करीब हल्दी। ये एल्फ्स गुडनेस की वाइल्ड टर्मरिक है। आप ये हल्दी ना एक बार जरूर ट्राई करें। कोई भी फेस पैक आप बना रहे हो जिसमें हल्दी का यूज हो रहा हो तो आप इसे एक बार जरूर डालें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। दही अगर कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, दही से इसका पेस्ट बनाना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।